हे मेरे यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। अभी शाम के 7:30 बजे हैं। अभी से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी यहाँ पर खैर लई है मेरी बड़ी बेटी, उसकी दादी के साथ गई है दुकान, कुछ अपना सामान लेके आएगी और साथ में अपना मैगी भी लेके आएगी। और बाबा वहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि आद्या की निगरानी करनी पड़ रही थी और आद्या एक जगह थोड़ी बैठ कर रहेगी। तो अभी मैं अपना काम शुरू करती हूँ शाम से। तो पतिदेव अभी तक पहुँचे नहीं है। ओ बेटा बोलो बोलो क्या चीज। ये माम नहीं करना है बेटा, ये चू भी नहीं करना है, माम भी नहीं करना है, ये खेलने का है। तो पतिदेव अभी तक पहुँचे नहीं है, बस वो टाटा तक पहुँच चुके हैं, रांची गए हैं, रिटर्न आ रहे हैं, आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब बताओ बेटा बताओ। तो बस वो आ जाएंगे 1.5 घंटा में। तो अपना काम तब तक ख़त्म करते हैं। दीदू क्या ला दी बेटा, ये ला दी है दीदू, थैंक यू बोले हो दीदू को। दोपहर होना, थोड़ा बहुत बारिश हो गया 2-3 मिनट के लिए, वैसे हम लोग का गर्मी और बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है क्या बताएं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि हम लोग अभी डिनर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे इसके बाद जाना है कौन सा साड़ी या फिर लहंगा पहन के जाऊँ वो सिलेक्ट करने के लिए। मतलब यहीं पर है तो यहीं से मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सा पहन के जाऊँ भाई की शादी में। तो माँ यहाँ पर मेरे लिए आटा गूंथ रही हैं कि जल्दी दोनों मिलकर बना देंगे तो हो जाएगा झटपट में। और आद्या यहाँ पर खेल रही है। ओ मामा बोलो। आद्या खेल नहीं रही, एक्चुअली वो ए भी कर रही है। क्या कर रहे हो बेटा? ए भी कर रही है। हाँ नोनी भी ए भी कर रही है। आप यहाँ पर इसका करवाओ। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं सब्जी रोटी, फिर मिलते हैं। कौन सा पहनूंगी आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग साथ में बने रहिए कि आज कौन सा साड़ी या फिर लहंगा पहन के कल जाऊंगी भाई की शादी में। देखिए आद्या रोटी बेलना सीख गई, कितना गोल बेल कर रखी है यहाँ पर। दिखाओ बेटा दिखाओ, रोटी दिखाओ कैसे बेल कर रखे हो आप, कैसे बेलने सीख गई है रोटी। पापा को बुलाते हैं, चलिए हम लोग के घर में कितना चींटी और कीड़ा है देखिए, चारों ओर। पापा को बुलाओ, पापा देखिए बोलो, देख खाली था बस चीनों दिन, देखो गुड़ू को आसो, देखो रोटी बेलुची कैसे गोल करी, देखो पापा देखु पापा खाइबे रुटी टा देखो कते गोल करी। खुश हो रही है, देखो तुम्हारे पानी नहीं की जाई छी। सजन की सूटी आलू बैंगन की सब्जी और यहाँ पर ऑमलेट है, ऑमलेट बस डिनर रेडी। फिर हम लोग डिनर करेंगे और हम लोग के यहाँ जो कीड़ा परेशान कर रहा है इसलिए हम लोग अंधेरा में बैठ रहे हो डबल जगह। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कड़ा मुहर कम देखोगी। रेडी आज का डिनर, अभी हम लोग का डिनर हो गया, पर मैं अभी और वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। इस वीडियो को कल तक कंटिन्यू, कल सुबह कंटिन्यू करूँगी। एक्चुअली हम लोग के यहाँ बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रहा है। तो गुड नाइट, सुबह इसी ब्लॉग में मिलते हैं। टाइम ब्लॉग में फिर से वेलकम करती हूँ। अभी सुबह का बज चुका है 10 और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, बस आद्या को नहलाना बाकी है। एक्चुअली हम लोग और थोड़ा सुबह निकलते हैं, पर हम लोग का जो गाड़ी लेके आएंगे भैया वो थोड़ा सा उनको कुछ काम है, वो थोड़ा लेट कर रहे हैं। तो जो भी है हम लोग निकल जाएंगे 1 घंटा के अंदर। तो मेरी बेटी भी यहाँ पर नहा चुकी है। हम लोग देखिए माँ बेटी कई हालत में है क्योंकि हम लोग अभी अभी शैम्पू करके आए हैं और उसके पापा गए थे ब्रेकफास्ट लाने, बोले सुबह और ये सब करने का झमेला तामझाम मत रखो, चलो ले आते हैं सबके लिए, पता नहीं क्या लेके आए हैं, चलिए देखते हैं। मैं बस आद्या के लिए थोड़ा सा उपमा बनाई हूँ, उसको खिलाऊँगी बस, क्या है उसके बाद निकलेंगे। और अभी तक मैं सिलेक्ट नहीं की हूँ कौन सा साड़ी पहन के जाऊँगी, इनको दिखाऊँगी, इसी बात का वेट कर रही थी कि कौन सा पहन के जाऊँ और कौन सा लहंगा लेके जाऊँ। तो बस थोड़ा सा देख, ड्रेस नहीं साड़ी पहन के जानी है, ऐसे में तो रेगुलर साड़ी पहनते हैं, ड्रेस पहनते रहते हैं और शादी ब्याह सब में थोड़ा सा प्रोग्राम सब में मुझे अच्छा लगता है, मुझे साड़ी एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ शादी प्रोग्राम खत्म हो चुका है पर रिसेप्शन है आज, फिर भी जब वहाँ पर मेहमान बहुत सारे होंगे सबसे मिलेंगे, मुझे एक्चुअली ना सब कपड़ा में से मतलब सबसे ज़्यादा साड़ी पसंद है, साड़ी पहनी हुई औरत खुद को साड़ी में
सबसे अच्छा लगता है। तो चलिए आद्या को खिला लेते हैं, फिर मिलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोग को क्या आया है ब्रेकफास्ट में। देखिए मैं मना की थी कि कम कम लेके आइएगा, पर कितना सारा लेके आए हैं। इसमें गरम कुछ है, इसमें इडली है, इडली चटनी सांभर, और इसमें गरम है आलू चॉप वगैरह, और इसमें जलेबी, और पता नहीं क्या लेके आए हैं, दो जगह अलग अलग किया हुआ है। निकालते हैं ये सबको। कौन सा साड़ी पहन के जाने का? बस पहन के जाने के लिए। हाँ कौन टा एटा पिंधि माँ ग्रीन टा एटा भी हल्का अच्छी देखो एटा नुआ टा एटा थोड़े भी हाँ एटा तो बहुत सॉफ्ट साड़ी टा हाँ पार्टी रे अलग लहंगाटा ने भी। ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं। बस मैं ये अकेली नहीं खाऊंगी, हम सब खाने वाले हैं। मेरी बेटी उधर खा रही है और ये हम लोग अभी खाएंगे। अभी 12 बज चुका है, अभी तक हम लोग नहीं निकले हैं क्योंकि हम लोग का गाड़ी अभी तक आई नहीं है। गाड़ी नहीं आई है? नहीं अपना बोलिए। नहीं हम लोग रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, मैं भी रेडी हूँ, मेरी बेटी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है और आद्या भी रेडी हो चुकी है। माँ को भी मैं बोल रही थी आप लोग आप भी साथ में चलिए, हम लोग के साथ घूम के आइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और बाबा को अकेले छोड़ के माँ नहीं जाएंगे क्योंकि बाबा का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है आज, मतलब कल से ठीक नहीं लग रहा है। तो बाबा बोल लेते हैं तुमको जाना है तो जाओ। और ओछी ए नंदनी गुडू सुगा, तो माँ भी चले नहाने भी नहीं जा पा रही है हम लोग के चक्कर में। बस हम लोग का कहीं भी जाए ना, हम लोग का बैग जो है वो इतना सारा हो जाता है। ये देखिए हम लोग इतना सारा बैग लेके जा रहे हैं क्योंकि एक में मेरा लहंगा है और इसमें बच्चों का कपड़ा, और बच्चों का तो मुझे एक से ज़्यादा रखना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि तुम्हारा क्या पकड़े हैं? अच्छा तुम्हारा वो फ्रॉक ले लूँगी बाबा असली। बाप रे बहुत ज़्यादा ही धूप है, चलिए चलते हैं गाड़ी में बैठ जाते हैं। आउथरा ऐसा फिनिशिंग होते उफ बाप रे इतना ज़्यादा गर्मी, दो मिनट में पसीना से लथपथ हो गए। आधे अपने पापा के साथ सामने बैठ गई, हम लोग वहाँ बैठी इधर। और आज एक चीज़ है हम लोग मैचिंग पहने, हाँ। ये भी पिंक बस पापा में मैच हो गया। हाँ वहाँ हो जाएगा मैचिंग। हाँ हो जाएगा मैचिंग, हम लोग खुद मैचिंग में हैं। ठीक है आज निकल गए उस दिन, बताओ तुम थोड़ा बेहोश होने खोज रहे थे क्या होगा? और क्या होगा, पानी मारना पड़ा क्या करे माँ है, माँ से क्या होगा, उतना पहले नर्वस नहीं होना सही में, पहले सिचुएशन देख के अपने आप को स्ट्रांग करना, मैं अपने आप को स्ट्रांग ही नहीं कर पाती हूं। स्टिच होगा परेशान, अगर बोलता नहीं बोलता ना स्टिच होगा फिर और परेशान। हम लोग जादूगढ़ में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए दोनों को कैसे बदमाशियां कर रहे हैं। ओ दादू ग्लास लगा हुआ है ना, इसलिए ना ये लोग बाहर चिल्ला रहे हैं कि दादू दादू करके एक आदमी। पानी 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 रखो साइड में। चलिए इस लोग को इंटरेक्ट करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के सामने, मिलती हूँ।